प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं होगी, यह भी सच है। एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी। बीजेपी मेजोरिटी मार्क से 33 सीट पीछे रह गई। इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस माफ कीजिएगा, 300 के करीब पहुंच गया। यानी यह तो तय है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की नहीं बन रही है। शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई है। कल मोदी कैबिनेट की, आउटगोइंग कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी, एनडीए के नेता भी मिलेंगे और कल ही राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की भी मुलाकात होगी। अभी तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के बाद दो सबसे बड़े घटक दल हैं, इनकी ये प्रधानमंत्री के साथ ही हैं। यानी एनडीए में अभी कोई तोड़फोड़ नहीं है। बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही, इस बात सच है, लेकिन आज के नतीजे से कांग्रेस को भी खुश होने की कोई वजह नहीं है। आज के नतीजों को दो लाइन में आपको समझना हो तो ऐसे समझिए, दो छात्रों ने एग्जाम दिया, एक से 90% की उम्मीद थी, उसके 80% आ गए, दूसरे से 40% की उम्मीद थी, उसके 60% आ गए, लेकिन टॉपर तो तब भी 80% वाला ही होगा। इस वक्त मोदी की पार्टी राहुल गांधी की पार्टी से दुगुनी से ज्यादा सीटों पर आगे है। आज के रिजल्ट्स की और क्या क्या हेडलाइन रही, आइए अब यह भी आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे, किसी को कोई शक न रहे, राहुल 24 में भी पीएम नहीं बन रहे। एक अकेले मोदी 28 पार्टियों वाले इंडी अलायंस पर कैसे भारी पड़ गए। मोदी की सीटें जरूर घटी, मोदी 400 पार नहीं जा सके, बावजूद इसके मोदी एनडीए की सरकार कैसे बना गए। देश ने इंडी अलायंस की खिचड़ी सरकार को नकार दिया, मोदी के नेतृत्व में एनडीए को क्लियर मैंडेट दे दिया। 1962 के बाद 62 साल में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार बैक टू बैक दो टर्म पूरा करने के बाद सत्ता में आई हो। जितनी सीटें अकेले बीजेपी की आईं, उतनी सीटें 28 पार्टियों वाले इंडी अलायंस को भी मिलाकर नहीं आ पाईं। मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी 240 प्लस में पहुंच गई, राहुल के चेहरे के दम पर कांग्रेस 100 के अंदर अटक गई, राहुल गांधी मोदी से 148 सीटें पीछे रह गए। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा मोदी तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की 29 में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, वो भी कहने लगी मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी ने 400 पार का नारा दिया, कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, उम्मीद से कम सीटें मिली, लेकिन मोदी ने हैट्रिक लगाई। जीत का मार्जिन कम है, लेकिन यह भी सही बात है कि इतिहास मोदी ने ही बनाया। 62 साल में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान में लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर लौटे हैं और एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष का भी तो 295 नहीं आया जिसका दावा वो ठोक रहे थे। इंडी वाले तो 300-300 चिल्ला रहे थे, 230 तक क्रॉस नहीं कर पाए। शॉर्ट टर्म में सीटों के लिहाज से मोदी को नुकसान हो गया, मगर इतना भी नहीं कि सरकार जा रही है। मोदी ने इतना हासिल कर लिया कि अब की बार भी सरकार एनडीए की ही आ रही है। और भी बहुत कुछ हुआ है। 2019 में 37% वोट पाने वाली बीजेपी 2024 में 39% पर पहुंच गई। 2019 में केरल में 13% वोट पाने वाली बीजेपी 2024 में 16% पर पहुंच गई। भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार केरल की एक सीट जीत गई। 2019 में तमिलनाडु में 3.7% वोट पाने वाली बीजेपी 2024 में 11% पर पहुंच गई। पिछली बार पंजाब में 9.63% वोट बीजेपी को मिले थे, इस बार यहां से सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वोट शेयर 18% पर पहुंच गया। दिल्ली की 7 सीटों पर लगातार तीसरी बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। तेलंगाना में 2019 में 10.46% वोट और 4 सीट जीतने वाली बीजेपी अब की बार 35% पर पहुंच गई, 8 सीटें जीत गई। मध्य प्रदेश में करीब 60% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। केरल, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में
बीजेपी का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट है, जिसके नतीजे अभी नजर नहीं आएंगे, बाद में दिखाई देंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 24 में मोदी की सीटें खटाखट घट गई। लड़ाई संविधान को बचाने की। बहुमत एनडीए को मिला है, पीएम मोदी ही बनने वाले हैं, लेकिन राहुल और इंडिया अलायंस वाले इसमें भी मोरल विक्ट्री लेकर बैठ गए हैं, खुद को विजेता घोषित करने लगे हैं। मोदी हार गए, मोदी की सियासत हार गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहने लगे हैं। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। लेकिन जो लोग मोदी की सीटें घटने से इतना उछल रहे हैं, वो खुद कुछ फैक्ट्स बताने से बच रहे हैं। 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, बीजेपी का वोट शेयर कांस्टेंट है, 24 में तो और बढ़ा ही है। 2014, 2019 और अब 2024, ये बैक टू बैक तीसरा चुनाव है जब कांग्रेस 100 के अंदर सिमटी है। बीजेपी ओडिशा में अपनी सरकार बना रही है, बीजेडी को हटा रही है, कांग्रेस यहां भी नंबर 3 पर है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी पहले ही अपनी सरकार बना चुकी है, आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी 2019 के 303 में से 2024 में 200 प्लस में जरूर आए हैं। मोदी को अब की बार 60 से थोड़ी ज्यादा सीटों का नुकसान भी हुआ है, बावजूद इसके देश को लीड करने के लिए वोटर्स ने 2024 में भी नरेंद्र मोदी को ही चुना है, इंडी गुट को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इस फैक्ट से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब की बार मोदी को सीटों के लिहाज से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 2019 में 303 सीट जीतने वाली बीजेपी अब की बार 240 की रेंज में आ गई है, यानी सीधे सीधे 60 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। और इसकी एक वजह यह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने 2019 के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। उदाहरण के तौर पर 2019 में बंगाल में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब की बार 12 सीट पर आ गई, यानी उसे 6 सीटों का नुकसान हुआ है। 2019 में यूपी में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब की बार 31 की रेंज में आ गई है, यानी यहां भी उसे सीधे सीधे 31 सीटों का नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 38 और कांग्रेस ने यूपी की 7 सीटों पर बीजेपी को आउट परफॉर्म किया है। और राहुल ने यूपी के इन नंबर्स को मोदी पर सीधा हमला करने का जरिया बनाना शुरू कर दिया है। हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने, कमाल करके दिखा दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने
हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया,